हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ मोनू ठाकुर, आप लोग देख रहे हैं मोनू ऑन रोड्स। तो भाई आज मेरे पास है एक से मार का करिश्मा, मतलब तो हीरो का न्यू जो लॉन्च हुआ है करिश्मा, एक से मार करिश्मा। और ब्लैक में है, फुल ब्लैक, जैसा कि मेरा फेवरेट कलर है भाई। करिश्मा है, अभी कुछ दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। भाई अगर हम फ्रंट की बात करें तो आप लोग यहाँ देख सकते हो, ऑटो हेडलाइट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि रात में जलता है, दिन में ऑफ हो जाता है। और साइड में आप लोग देखोगे तो यहाँ पे DRL लगा हुआ, LED DRL लगा हुआ है। और भाई साथ में मिलता है इसमें LED लो बीम प्रोजेक्टर। और भाई यहाँ पे देखो आप लोग, हीरो का 3D लोगो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। नीचे आप लोग देखो ब्लैक में पूरा फुल ब्लैक मेड गार्ड मिल जाएगा आप लोग को। फुल फेयरिंग बाइक है ये, बिल्कुल ब्लैक में, जो कि आप लोग को मालूम होगा मेरा फेवरेट कलर ब्लैक ही है। और भाई यहाँ पे देखो LED DRL आपको मिल जाएगा जो कि दिन में भी काफी ज्यादा रोशनी एक कर रहा है, मतलब दिन में भी अभी पूरा उजाला है, लेकिन आप लोग देखो पूरा कैमरा में क्लियर दिख रहा है कितना लाइट है। अगर विंडशील्ड की बात करें तो ब्लैक में बड़े साइज का विंडशील्ड मिलता है, और इसकी एक खासियत है ये स्विच से अप डाउन होता है, मतलब ऊपर नीचे होता है स्विच से। स्विच दिया हुआ है, इसको आप प्रेस करो और ये ऊपर इधर दिखाओ। ये भाई मतलब इस प्राइस सेगमेंट में पहला बार ऐसा हुआ है कि ऐसा मिल रहा है जिसमें आप विंडशील्ड को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये आप लोगों को देख लिए। ये भाई इसका जो ये मिरर का जो ये डिजाइन है ना भाई, ये काफी खूबसूरत है। हमको लगता है फर्स्ट बाइक में ही ऐसा दिया है, ये डिजाइन और किसी में होगा नहीं। देख रहे हो खूबसूरत लग रहा है। फ्रंट लुक की बात करें तो भाई काफ़ी ये अच्छा बाइक है, इसमें आप स्पोर्ट बाइक के मज़े ले सकते हो। फुल फेयरिंग बाइक है, आप इससे टूर सिटी राइड वगैरह कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो क्योंकि वजन भी ज़्यादा नहीं है इस बाइक का। और इसमें 210 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है सिक्स गियर के साथ, जो कि 25 BHP का पावर निकाल देता है आराम से। और इंजन अभी थोड़ा सा हीट है क्योंकि हम राइड किए हैं, 5-10 किलोमीटर एक्स्ट्रा राइड कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा सा इंजन इसका हीट है। 300 mm का डिस्क साइज मिलता है आपको, 300 mm का डिस्क साइज है। और टायर के मास मतलब फ्रंट में 180 का 70 इंच का टायर इसमें मिलता है। बाइब्री का ब्रेक है जो कि बाइब्री का मालूम होगा हर बाइक में यूज होता है, बाइब्री का ही यूज होता है। काफ़ी बढ़िया ये क्वालिटी का रहता है। और आप लोग बाइक देखो क्या खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे आप लोग देखो तो बड़े साइज का रेडिवाइडर आपको देखने को मिल जाता है जो कि काफ़ी सही है, इसके सांस लेने का जगह काफ़ी बढ़िया है। भाई यहाँ पे सामने में देखो तो इसमें एक अच्छा काम किया है कि भाई कूलेंट का ऊपर में दे दिया जाएगा। पहले था कि बाइक वाइक खोलना पड़ता था, यहाँ पे ठीक है ऊपर में ही दिया हुआ है सामने से पेट्रोल के साथ साथ, अब ये भी सामने से डला सकते हो। ये भाई ये सब जो होता है ना, जो मतलब कम प्राइस में इतना सारा चीज़ फीचर मिलता है, काफ़ी अच्छा है। और भाई ये XMR में भाई डुअल चैनल ABS भी आता है, जैसा कि आप लोग को मालूम हुआ कि हीरो के और बाइक में शायद नहीं आता इसे। भाई फ्यूल टैंक की बात करें तो ये 11 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, और जो कि माइलेज आपका काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल देगा, मतलब 40 से 45 ये तो ऐसे ही निकाल देगा, लेकिन आपको ऊपर आप कितना निकाल सकते हो आपके चलाने के ऊपर है, जैसा जैसा जिस हिसाब से चलाओ उस हिसाब से रहेगा। फिलहाल ये आप देख लीजिए सीट का, ये का कुशनिंग काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का कुशनिंग यूज किया गया इसमें। ये आप लोग चेक करो, काफ़ी बढ़िया सीट में दिया हुआ है। और सीट आप लोग का स्पोर्टी साइड चीप है, मतलब सीट जो स्पोर्टी में होता है वही टाइप है, और स्पोर्ट बाइक ही है वो। इसका आप टेल लाइट के बात करें तो भाई अगर आप लोग पूरा देखो तो एच शेप में है, ये पूरा लाइट जो है एच शेप में, आप ऊपर से कोई कवर नहीं है, यहाँ से आप देखोगे तो पूरा एच शेप में है, एच टाइप इसका लाइट है। हीरो का यहाँ पे आपको लोगो दिख जाएगा, यहाँ भी 3D लोगो ही हीरो का है, यहाँ भी हीरो का लोगो। भाई इसका व्हील्स की बात करें तो यहाँ भी बाइब्रेक का ब्रेक यूज गया है, डुअल चैनल ABS है, और ये कितना 140/70 का 17 mm का टायर है, 17 इंच का ये टायर है। और इसमें भाई ये जो आप देख रहे हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बेस ये दिया हुआ है, जैसे आप यहाँ से व्हील कवर आप लगा सकते हैं इसमें एक्स्ट्रा, ये आपको एसेसरीज में ऐड हो जाएगा, ये अलग से व्हील कवर लग सकता है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये शॉकर, सिंगल शॉकर में आता है भाई पीछे से, काफ़ी खूबसूरत, ये तो आपको देख के पता चल रहा होगा कैसा है। यहाँ पे भाई पुलिस भी आ चुका था क्योंकि इससे पहले थोड़ा सा पीछे रुका हुआ था, वो लोग देखे कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, वीडियो क्यों रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो भाई उनको मैं बताया कि मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, करिश्मा शोरूम से बाइक लेकर के आया हूँ, XMR बालूमाथ शोरूम से। लुक वाइज बात करो तो भाई एक नज़र में प्यार हो जाएगा, इतना खूबसूरत देखने में ये बाइक लग रहा है, एक नज़र में प्यार हो जाएगा, कोई भाई देखने के बाद नहीं मुड़ के नहीं देखेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता एक बार देखने के बाद, इतना खूबसूरत ये बाइक लग रहा है देखने में।
इसमें भाई 810 mm का मतलब सीट हाइट मिलता है, जो कि लॉन्ग मतलब लॉन्ग हाइट के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन शॉर्ट हाइट वाले के थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है इस बाइक में। लेकिन भाई लॉन्ग हाइट के लिए याद होते हैं इसको, होता है ना जन्नत, मतलब स्वर्ग वही है बाइक में। भाई आप मेरा हाइट देख सकते हो, मतलब कम है मेरा पैर, मतलब दोनों हाइट हल्का हल्का पहुँच रहा है। ऐसा ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का, 160 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और भाई इसका वजन है 160 kg, जो कि ज़्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मली आप सिटी में या फिर हाईवे में कहीं भी राइड करते हो तो इसको लद्दाख लेके चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें वजन ज़्यादा नहीं है, आप संभाल सकते हो, 163 kg का। और इतना अच्छा बाइक, मतलब भाई जो होता है ना देखने में प्यार हो जाएगा, एक बार आप लोग इसको राइड करके देखो, प्यार हो जाएगा इससे। इससे जब से मैं जाना हूँ भाई, इसमें ये फीचर दिया हुआ है, जब भी टाइम मिलता है इसको चेक करता हूँ, भाई ये क्यों दिया है इतना, मतलब कम प्राइस में इतना अच्छा चीज़ कैसे दे दिया, ये सोच सोच के भाई तुरंत तुरंत चेक में करते रहता हूँ इसको। और एक बार आप साइड से लुक देखो, लुक वाइज इतना खूबसूरत ये बाइक हमको लगा, क्या बोले, हम राइड करके देखे इसका खूबसूरत बाइक, बाइक देखने में भी लग रहा है, राइड करने भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस चेक करो तो 160 mm का देता है, लेकिन भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है ठोकर वगैरह में, क्योंकि फुल फेयरिंग बाइक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है ये। इधर आप देखो तो ब्लैक और सिल्वर में काफ़ी सुंदर लग रहा है, और इंजन का कलर देखो भाई येलो में मिला है, काफ़ी मतलब गोल्डन टाइप है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखो साइड से आप लोग देखो तो भाई फुल स्पोर्ट लुक में बाइक ये है, काफ़ी खूबसूरत है। इसमें भाई टंकी भी ऊंचा है, लेकिन भाई हमको चलाने में कहीं भी दिक्कत नहीं हुआ, मेरा हाइट भी कम है लेकिन कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ चलाने में, इतना अच्छा ये बाइक है। ये मीटर चेक कीजिए, यहाँ पे आपको गियर का मिल रहा है, न्यूट्रल है अभी, यहाँ पे आपको टेम्परेचर देखने को मिल रहा है, इधर पेट्रोल है, यहाँ पे भाई डेट लिखा हुआ है आज, मतलब पहला बार ऐसा देखे बाइक में जिसमें डेट आ रहा है। और यहाँ पे इसको ऑफ करके ऑन कर दे, यहाँ से देखिए क्या लिखा हुआ है, रेडियो लेजेंड, मतलब ये लेजेंड तो खैर है, पुराना है, बहुत पुराना ये बाइक है, न्यू वर्जन में भी लॉन्च हुआ है, लेकिन ये बाइक काफ़ी पुराना आप लोगों को मालूम होगा। और अभी हम राइड करके इसका आए हैं, हम लगभग चलाए 5 से 10 किलोमीटर लगभग चलाए, इतना अच्छा बाइक लगा चलाने में, जो होता ना भाई इसमें मेरा हाइट कम है लेकिन इसको पूरा फुल कम्फर्टेबल में चला रहे थे हम बाइक को, पूरा कंफर्टेबल फील हो रहा था बाइक चलाने में, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ इसका। भाई क्या ही बोले, ABS बहुत अच्छा काम कर रहा था, डुअल चैनल ABS है दोनों बाइक, मतलब और टायर का साइज भी काफ़ी बढ़िया है। इंजन आप बात करें तो 210 cc का इसका इंजन है, जो 6 गियर में आता है, 6 ऑटोमेटिक, मतलब 6 गियर में आता है, 6 गियर बॉक्स इंजन है। और सिंगल सिलेंडर में 20.4 knots मतलब न्यूट्रन टॉर्क बनाता है, इसमें काफ़ी बढ़िया इसमें टॉर्क बना देता है, 20 पॉइंट मतलब 210 से सिंगल सिलेंडर में काफ़ी अच्छा इसमें टॉर्क बनाता है। और बाइक देखने में तो क्या स्पोर्टी लुक है, काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में, आप लोग देख ही रहे हो, मतलब जो नया होता है नए यूजर्स भाई उसके लिए जो होता है ना खजाना एकदम वही है। इसमें भाई नया नया फीचर दिया हुआ है, यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है जिससे लाइट आपको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता है, जो कि बाद में उसको देखा जाएगा, फिलहाल ये आप लोग चेक करो वाइजर का, ये जो है ना काफ़ी खूबसूरत है। ये इस प्राइस सेगमेंट में भाई काफ़ी मतलब फर्स्ट बाइक है जिसमें ये आया है वाइजर एडजस्ट, मतलब विंडशील्ड एडजस्टमेंट, मतलब बाकी किसी में नहीं आता है, आप लोगों को मालूम होगा काफ़ी बढ़िया है इसका, एडजस्ट हो जाता है इस प्राइस में, पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे मिल रहा है हीरो में आप लोग को, हीरो करिश्मा XMR, मतलब पहले ZMR था, XMR हो गया है। यहाँ पे आपको 3D लोगो मिल जाएगा हीरो का, फर्स्ट में भाई यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ LED DRL है, ये लो बीम LED है, यहाँ हाई बीम है, हाई बीम के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो ये चारों जल रहा है साथ में, ये हो गया हाई बीम के लिए, और लो बीम के लिए बस ये है, हाई बीम के लिए साइड में दिया हुआ है। काफ़ी इसका आगे से लुक वाइज बात करें तो भाई काफ़ी खूबसूरत देखने को लगता है ये बाइक। ये भाई 2,13,000 में आता है बाइक, और 2,13,000 में इसमें डिस्काउंट है 5,000 का, आप फाइनेंस कराओ या फिर कैश में लो, 5,000 का डिस्काउंट है। और भाई इसको लेने के लिए आना पड़ेगा आपको बालूमाथ नेशनल ऑटोमोबाइल्स, बालूमाथ में हीरो शोरूम, मुरपा मोड़ में आपको ये शोरूम मिल जाएगा। और भाई किसी भी टाइम हो ये बाइक आपको अवेलेबल मिल जाएगा, जब भी आप लोग अवेलेबल मिल जाएगा। और यही नहीं है, बाकी बहुत सारा बाइक है, इधर भी आप लोगों को बाइक दिखेगा, उधर आपका ग्लैमर पूरा खड़ा है, ग्लैमर वहाँ पर बहुत सारा लगा हुआ है, इधर भी बाइक लगा हुआ है, बाहर में भी इनका बाइक लगा हुआ है पूरा, मतलब बाइक का यहाँ पे कमी नहीं है, जब भी आपको जो भी बाइक चाहिए यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। ये मेरा है, ये नहीं मिलेगा, बाकी आपको सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, बालूमाथ नेशनल ऑटोमोबाइल्स।
कुरपा मोड़, यहाँ पे आइए सब मिलेगा। नंबर आपको स्क्रीन में भी देखने को मिल रहा होगा, ये नंबर हम डाल देंगे। ये देखिए एक कार्ड है, ये हीरो शोरूम का नेशनल ऑटोमोबाइल, ये दो नंबर है, मैं फ़ोटो पर डाल दूँगा, उसमें फ़ोटो आपको मिल जाएगा देखने को। कुरपा मोड़ बालू मार्ग, बालूमा का भाई फर्स्ट ऐसा शोरूम है जहाँ पे आप लोग सारे बाइक अवेलेबल मिलेंगे, हीरो के जितने भी बाइक है सेगमेंट में सारे बाइक आप लोगों को मिल जाएंगे यहाँ पे। ये अवेलेबल मिलेगा आपको सिर्फ बालूमा शोरूम, हीरो के शोरूम में, और कहीं नहीं मिल सकता, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ बालूमा के एरिया में, पॉसिबल नहीं, बाकी ये मिल जाएगा। और ये बाइक आप लोग देखो तो भाई जो होता है ना प्यार प्यार हो जाता है देख के, इतना खूबसूरत। इसका आप लोग फ्रंट से भी व्यू देखो या फिर बैक से भी देखो, दोनों तरफ से भाई ये रानी है, जो रानी होती है ना भाई, रानी है, दिल की रानी है ये। इसमें आप लोग देख सकते हो सारा कुछ बाइब्रे का यूज़ किया गया, बाइब्रे का मालूम हुआ काफ़ी बढ़िया होता है, सब बाइक में इसी का आता है। इसका आपको एग्जॉस्ट साउंड सुनाते हैं, जो कि भाई हम चला रहे थे कान बजा रहा था ना, इतना खुशी लग रहा था सुन के, काफ़ी खुशी लग रहा था। अगर आप लोग आवाज़ सुने होंगे काफ़ी मीठा साउंड है इसका, एग्जॉस्ट का काफ़ी मीठा साउंड है, और उतना ज़्यादा हीट भी नहीं हो रहा है, काफ़ी मीठा साउंड है इसका, मज़ा आ गया सुन के, कान में जो जा रहा बाइक चला रहा था उसमें आ रहा था कान में जो साउंड, सामने से भाई और भी अच्छा लगा, यही बोले मज़ा आ गया सुन के भाई। करिश्मा का 3D में आपको लोगो मिल जाएगा देखने को, और यहाँ पर एक से MR लिखा हुआ है। पूरा नाम बताओ? सूर्य कुमार है, ये अंकित है, जरूर मिलने आया बाहर, कोई नहीं ऐसे को मिलने आता, मज़ा आता है, खुशी लगता है देख के। अब लोग ये देखो इसका फेयरिंग, फुल फेयरिंग बाइक है, काफ़ी खूबसूरत देखने को लगता है स्पोर्टिंग लुक में, काफ़ी खूबसूरत है। और जैसे कि बात क्या करें भाई, काफ़ी हैवी मटेरियल यूज़ किया गया है जैसे में, आप लोग देखो काफ़ी खूबसूरत लगता है डिज़ाइन इसका, जैसे का जिस हिसाब से बाइक उस हिसाब से डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत बनाया गया है इसमें, जैसे में लोग चेक करो काफ़ी बढ़िया है, सिंगल सॉकर के साथ पीछे में आता है। ये हो गया भाई फ्यूल ब्रेक ऑयल के लिए, यहाँ पे काफ़ी बढ़िया बाइक, तो भाई काफ़ी खूबसूरत लगा हमको चला के, हम भी राइड भी किए इसका, काफ़ी खूबसूरत है। अब सिटिंग पोजीशन भी आपको मालूम होगा काफ़ी बढ़िया इसमें दिया गया है, जो नॉर्मल और स्पोर्ट बाइक है तो वैसा टाइप नहीं है, काफ़ी बढ़िया इसमें दिया गया है, सारा कुछ ठीक है। बाकी आपको वीडियो आप लोग देखोगे समझ में आ जाएगा कितना अच्छा ये बाइक है, मतलब नाम के साथ नाम ही नहीं है, काम भी इसका अच्छा। हीरो का आपको मालूम होगा, हीरो का बाइक कैसा होता है तो मालूम होगा आपको, तो बस भाई हीरो का चीज़ है, और माइलेज भी काफ़ी बढ़िया निकालता है, स्पोर्टिंग लुक, कोई नहीं वीडियो आप लोग देखो, आप लोगों को वीडियो में समझ आ जाएगा क्या बाइक है, ठीक है फिर। ये है भाई हीरो शोरूम का मेन लुक, मतलब यहाँ पर आप मोड़ जैसे टर्निंग में घूमोगे सामने आपको शोरूम सीधा दिख जाएगा आँख के सामने ही, सामने भाई इतना सारा हीरो का बाइक लगा हुआ है, आप देख के ही समझ जाओगे भाई शोरूम के पास पहुंच चुके हैं, और नेशनल ऑटोमोबाइल्स आपको सामने से ही दिख रहा है फ्रंट में ही। अंदर से भाई लुक वाइज काफ़ी खूबसूरत सजा के रखा गया है यह शोरूम, सामने आपको हीरो का दिख रहा होगा लोगों के साथ, आपका डिज़ाइन सारा लगता है सबका पार्ट लगाया हुआ है वहाँ पर, और ये अपना ग्लैमर का एड है इसमें, आप लोग देख सकते हो अपने हिसाब से देखना कैसे क्या करना है। फिलहाल आप ये देखो करिश्मा जिसको हम राइड किए थे उस समय, यही वाला बाइक है क्योंकि काफ़ी मज़ा था चला के। उसके सामने भाई ग्लैम्बर लेजेंड, मतलब ये भी ग्लैम्बर नया ही ग्लैम्बर लगा हुआ है, काफ़ी खूबसूरत ये भी लगता है देखने में। ये है भाई हीरो का वर्कशॉप, आप लोग देख सकते हो सामने में बाइक वॉश हो रहा है, और सामने आपको गाड़ी बहुत सारा दिख जाएगा, ये भी मतलब समझ लो यहाँ पे रखा हुआ है, ये भाई वॉश होकर आ चुका है ग्लैम्बर, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये भी नया ही बाइक है, और सामने आपको यहाँ पे बाइक वॉश चल रहा है, किसी का बाइक लगा हुआ है हीरो का, उसको वॉशिंग किया जाए। ये है भाई सर्विस एरिया जहाँ पे भाई चार लगा हुआ है लिफ्टर वाला, लिफ्ट उठा के वहाँ पर सर्विस किया जाता है। और भाई आप यहाँ से निकलते हैं अपने घर की तरफ, शोरूम आप देख चुके हैं, काफ़ी खूबसूरत शोरूम लग रहा है देखने में लुक वाइज,
और आप लोग याद रखना नेशनल ऑटोमोबाइल्स हीरो शोरूम बालूमत मुरपा मोड़, जहाँ पे भाई आपको सारी हीरो की बाइक हर मतलब जो भी बाइक है सारा मिलेगा, अवेलेबल मिल जाएगा हर टाइम। तो यहाँ पे आप लोग विजिट करो और लो यहाँ से बाइक।